हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुखी जनवासी। देखिए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज मेरे को वीडियो आई। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, मेरे योम ने चलने की कोशिश की। थोड़ा टेढ़ा चल रहा था पैर, क्रॉस पैर करके ये चलने की कोशिश की। प्लस मेरा लड्डू आज, सबसे पहली बार आज सुबह जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैंने सुल्तान जिनके अलग से अगरबत्ती लगाना भूल गई थी, तो उसको अलग से अगरबत्ती लगाई। आज जुम्मे रात है, मैंने यही कहा कि इस बार आप बारिश का वो नहीं कर रहे हो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ तो इशारा दो कि हमारा काम बहुत अच्छा होने वाला है। और सच बोल रही, इस वक्त बाहर बहुत ज़ोरों से झमाझम गोराई में बारिश हो रही है। मतलब मेरा काम 101% पूरा हो चुका, मतलब 99% पूरा हो चुका। सिर्फ 1% बाकी, जो कल मैं काड़ूबाई का, माता जी का मैं अभिषेक करूँगी, क्योंकि कहते हैं 12 बजे के पहले अभिषेक होता है माँ का। मैंने बोल दिया है वहाँ पर फ़ोन करके कि एकदम मस्त नौवारी साड़ी माँ के लिए तैयार रखना, झूला बांधने आ रही। लेकिन उससे पहले मेरे आशीर्वाद किसने दिया मालूम है आपको? मेरे लड्डू ने दिया मुझे आशीर्वाद। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ गया, काली माता को पैर पड़ा, दिए को ऐसा ऐसा किया, और हमारे पास आके ऐसा ऐसा करके पहले प्रभु को किया, फिर ऐसा ऐसा करके मेरे हाथ पे किया। हम दोनों बाजू में बैठे थे, फिर हम दोनों को टीका लगा। देखो ये टीका दिख रहा है ना आपको, ये मेरे लड्डू ने लगाया सुबह का टीका। देखो गुलाल का टीका है, मेरे प्रभु को भी गुलाल का टीका लगाया, खुद को भी गुलाल का टीका लगाया। मेरे घर में एक छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना है, बच्चा छोटा सा, उसको देखा तो बोलता है दे मला दे मला, तो उसको दिया, तो उसको भी लेके जा गया और उसको भी ऐसे ऐसे दिया करके उसके सर पे हाथ रखा। और भगवान को पता नहीं काली माता को क्या क्या बोल रहा है, काली माता को टीका लगा रहा है, माता जी को टीका लगा रहा है। एक वक्त के लिए मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे धावजी पाटिल छोटे से बच्चे के रूप में आके हम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज पता है उसने बहुत खेला। एक्चुअली क्या था ना, आज उसको मुझे स्कूल के, मैं जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए बाहर, तो मेरे को उसका सब अरेंजमेंट करना था। उसके छोटे छोटे सैंडल दिलाने थे और मुझे मन था उसको गाड़ी में घुमाने का, फिर उसको सैंडल दिलाया और उसको कलर ड्रेस में जाना है एक से एक, तो उसको मैं दुकान में लेके गई, बहुत सारे कलर्स के कपड़े दिलाए। रास्ते भर वो मेरी गोदी में बैठा था, आते आते मुझे पकड़ के बैठा था, आई बोल रहा था। और प्रभु को मैं बोली प्रभु कहाँ है, तो बोलता पदु पप्पा। आज से उसको पदु पप्पा बोल रहा है वो, मेरी पदु पप्पा कहाँ है, तो बोलता। और जो भी टेम्पो देखता है तो क्या बोलता है, ये टैंकर है, ये रिक्शा है, ये रिक्शा साइकिल है, ये कूटी है, स्कूटी बोलने नहीं आता, ये कूटी है। मेरी गोद में बैठ के कर रहा है। और जब मैं उसको ऐसे कुछ मस्ती कर रहा है तो बोली बाबू नहीं गंदी बात, तो इग्नोर करके हाँ ठंडा ऐसे बहुत मस्ती किया आज उसने। घर में इतना नाचा बच्चों के साथ, हनी के साथ, क्या बोलता है हनी दादा, आंजल दीदी, उसको पांजल दीदी नहीं बोल रहा तो आंजल दीदी बोल रहा है, ऋषि दादा, ऐसे सबके साथ खेल रहा था। इतना नाचा, डॉगी लोग के साथ नाचा बहुत, और हमारे साथ बहुत इंजॉय किया। मतलब 4-5 घंटा था, बहुत इंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, मेरे लड्डू के रूप में उसने आके अपने छोटे भाई को भी आशीर्वाद दिया है और हम दोनों को आशीर्वाद दिया। सबसे पहले प्रभु का आशीर्वाद दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, उसके बाद मुझे आशीर्वाद दिया। ये बात बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया। और सबसे बड़ी, मेरे सुल्तान जी ने बारिश ला के, देखो बारिश का मौसम है, बारिश तो आना है बारिश, लेकिन जहाँ सुबह मैंने दिल से जो सिगरेट थी लगाई थी, जिस तरह से बारिश आई, ये आवाहन माना है उन्होंने, इसका मतलब मेरा काम हो चुका है। कल मैं जा रही हूँ, सबका काम हो चुका है, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है उनका काम हो चुका है। 16-17 तारीख को सबके पैसे जो सबको पहुँचे वो पहुँच जाएंगे, सबका शक्तियों का काम हो जाएगा। आज मुझे 2-3 जनों ने कहा था, मतलब सबका काम बखूबी बहुत अच्छा हुआ है और आज सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब ये आशीर्वाद मिला है कि जिस काम से मैं जा रही हूँ वो काम, मेरे धावजी पाटिल ने जो मुझे रात को कहा वो काम 101% आना है, कोई रुकावट नहीं आई। यार मेरे ड्राइवर का भी फ़ोन आया, अरे दीदी बहुत बारिश हो रही है। क्या हुआ बारिश हो रही है? तो बारिश आना ही मतलब कि आवाहन करना, कि मतलब हमारा काम उसने कर दिया, 1% काम बाकी वो भी मेरा हो जाएगा। बस आज गुरुवार है, आज मुर्गा छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने आज नहीं छोड़ रही मुर्गा, क्योंकि गुरुवार के दिन तो मैं भी नॉनवेज ड्रिंक विंक कुछ नहीं लेते हम लोग। आज के दिन है, कल जा रहे हैं पूजा करने। बस ये है कि पहली बारिश है मेरे और प्रभु की, अगर मैं रुकती तो बारिश के, कहते ना बारिश के मज़े लेते, ड्रिंक करते, नॉनवेज खाते, मस्ती करते। एक बार ज़रूर देखा मैंने अपने प्रभु में, भले वो लड्डू से बहुत सारा प्यार करते, एक्चुअली वो पप्पा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पप्पा है, बहुत केयर करते हैं। मैंने एप्पल काट के दिया, वो एप्पल खा रहा था, उसको एप्पल खिला रहे थे तब, तो ये बात है कि
मेरा ये बच्चा आएगा तो बहुत ध्यान देंगे, लेकिन एक बात तो ज़रूर देखी हूँ कि अगर मुझ पर मतलब उनका पूरा ध्यान बरोबर मुझ पर भी था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बात है। कल ऐसे ही लड्डू ऐसे ही कल मैं उसका चप्पल नहीं मिल रहा था तो चाबी उठाया मारने, तो मेरे पर देखो मेरे लिए भी गुस्सा आया कि नहीं मारते नहीं है मम्मी को। तो ये कि दोनों जगह बराबर है, मतलब दोनों जगह का उसका क्रेज़ बराबर है। तो बस भगवान करे ऐसी प्यार बना रहे और हमारी यात्रा सफल हो, जो यात्रा करने जा रही वो सफल हो, जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है वो हैं, और जो लोग शक्तियाँ लेने चाहते हैं बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आज भगवान ने वो निशानी ली है, तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है ये मौका, मतलब बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है कि ये सारा जो काम आज का हुआ है और जो कल होने वाला है। तो हम लोग नांदेड़ तक जाएंगे, रेणुका यल्लम्मा माँ और क्या बोलते हैं सप्तृशृंगी माँ सब करके आऊँगी मैं, तब तक यहाँ पे सब रहेंगे, इसलिए मैं आज पूरा काम की हूँ और जो बारिश ने इशारा दिया वो बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू सो मच, मेरा काम पूरा। और जो भी जो लोगों ने शक्तियाँ ली उनको तो मिलने हैं, जिनको शक्ति चाहिए वो अभी भी ले सकते हैं, अभी भी मौका मत गवाइए, काम करवाइए, काम का तुरंत रिजल्ट है, क्योंकि आज भी अगर कोई शक्ति लेगा तो उसको मंडे तक उसका मंत्र मिल जाएगा बस। बाकी और दुश्मनों के लिए दुश्मनों के लिए भी एक बात है कि तुम्हारी भी बैंड बजने का टाइम आ गया, 99% काम हो चुका है, 1% काम बाकी है, वो भी कल पूरा हो जाएगा, उसके बाद या तो मैं रहूँगी या तो आप रहेंगे। मैं जा रही हूँ काड़ू भाई के पास, अगर मेरे नसीब में या तो मुझे मार देना या तो खुद मरने को तैयार रहना, ये बात करके जा रही हूँ, या तो मर के आऊँगी या तो जीत के आऊँगी, दो में से एक काम करके आऊँगी बस। जय माता दी।